Yes, we are live. Hi everyone. Once again, I'm back. Hi everyone. Can you hear me? Hello and welcome to Amul Facebook Live. आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा बॉम्ब्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, बहुत ही बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपी है और आपके मूड को अपलिफ्ट कर देगी. लॉकडाउन में बैठे बैठे वैसे ही सब बोर हो रहे हैं और बच्चे, हॉलीडेज़ का टाइम है, बाहर इतनी क्राइसिस है, इतना प्रॉब्लम है, तो सोचा मैंने कि बच्चों के मूड को थोड़ा अपलिफ्ट कर देते हैं और एक अच्छी सी रेसिपी बनाते हैं जिससे बच्चे खुश हो जाए. तो उसके लिए मैं बहुत ही एक न्यूट्रिशियस शेक बनाऊंगी अमूल प्रो से और पिज़्ज़ा बॉम्ब्स बनाऊंगी. आइए दिखाते हैं उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए. अब पिज़्ज़ा के लिए हम नॉर्मली हमें आपको जो भी आपके घर में वेजिटेबल्स अवेलेबल हों आप वो यूज़ कर सकते हैं. अनियन, टमेटो, कैप्सिकम्स. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये 3 कलर्स की कैप्सिकम्स, कॉर्न, हैल्पिनोज, ऑलिव्स और ये अमूल मोजरेला चीज़, अमूल स्प्रेड चीज़. दिस इज़ पास्ता पिज़्ज़ा सॉस. दिस इज़ सम मिक्स्ड हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट. और ये मैंने एक स्लरी बनाई है विथ मैदा एंड वाटर. इसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी और सब बनाएंगे हम इसे अमूल सैंडविच ब्रेड से. इसकी बेस्ट चीज़ है ये अमूल बटर से बनी हुई है, नॉट विद वेजिटेबल ऑयल. ओके, लेट्स स्टार्ट. हम बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है ब्रेड से. इसके लिए हमें चाहिए होंगी 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. यहाँ मैं प्लेन सैंडविच ब्रेड यूज़ कर रही हूँ. आप होल व्हीट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, आटा ब्रेड, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है. ब्रेड से बनाएंगे तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपना बेस रिप्लेस कर सकते हैं. हम एक मल्टीग्रेन ब्रेड से अगर हमें बनाना है तो हम उससे भी बना सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, हमने ये 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले लिया, हमने इसके कॉर्नर्स ट्रिम कर लेने हैं. वी विल स्टार्ट ट्रिमिंग द कॉर्नर्स. इसके लिए हमें 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड चाहिए. आई एम श्योर अगर आप ये बनाएंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा. हम इसके कॉर्नर्स फेंकने नहीं हैं, हम इसको क्रम्स बना के अपनी किसी और डिश में यूज कर सकते हैं. आप बता सकते हैं आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा बॉम्ब्स विद यूज ऑफ ब्रेड. ब्रेड तो नॉर्मली सबके घर में हमेशा आती है और उसी ब्रेड को यूज करके हम बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी, टेस्टी, इंटरेस्टिंग डिश बना सकते हैं. ओके, रिमूव द दिस ब्रेड कॉर्नर्स. बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड को इकट्ठे रखना है. और स्लरी की हेल्प से हम इसको जोड़ देंगे. ये जो हमने फ्लावर और
पानी से जो स्लरी बनाई है ना, इससे हम इन चारों को पेस्ट करेंगे, स्लाइसेस को हल्का हल्का हम इसको एज पे लगाएंगे और जरा सा इसके ऊपर रख के हम इसको प्रेस कर देंगे। और कोशिश करिए बिल्कुल फ्रेश ब्रेड जो आई हुई है ना, जो करंट डेट की होती है, आप वो वाली ब्रेड लें। इसको इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे और इसको इससे पेस्ट कर देंगे। ये एक ग्लू का काम करेगा। और हम इस पे थोड़ा सा पानी का ब्रश लगाएंगे और इसको हम रोलिंग पिन से रोल करेंगे। थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करना है हमें, ये स्लरी थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करना, और जहां जहां पेस्ट ना हो वहां पे हम स्लरी से इसको पेस्ट करके एक बेस बनाएंगे। जहां पे आपको लगे कि ओपन हो रहा है वहां पे आप स्लरी लगाओ और थोड़ा थोड़ा पानी भी हम डैप करते जाएंगे। और इसको रोलिंग पिन की हेल्प से थोड़ा प्रेस कर देंगे। सेंटर में हम एक और स्लाइस को यूज करेंगे बिकॉज हम नहीं चाहते कि ये थोड़ा भी नीचे से फटे, तो हम इसको एक सेंटर में एक स्लाइस और रख के हम इसको प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर भी हम हल्का हल्का वाटर डैप करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया स्लाइस, इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे। और एक क्लिंग रैप पे हम बटर लगा के इसको रख देंगे। एक फॉइल पेपर पे हम बटर लगा के इसको रखेंगे। यहाँ पे हम अमूल बटर यूज कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से जैसे उठाएंगे जहां पे आपको लगे ओपन है, आप ग्लू की हेल्प से, ये जो फ्लावर और वाटर का हमने ग्लू बनाया है उससे हम इसको कॉर्नर्स को पेस्ट कर देंगे। जहां पे भी आपको लगे कि ये ओपन हो रहा है हम इसको ऐसे करके पेस्ट कर देंगे और इसको हम रखेंगे बटर वाले फॉइल पे और थोड़ा थोड़ा हम एजेस पे लगाएंगे पानी, जिससे ये ब्रेड हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और हम इसको शेप देने में इजीली हम इसको शेप दे पाए। अब हम बनाते हैं मिक्सचर जो हम इसके अंदर फिल करेंगे। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ रेड कैप्सिकम, एक चम्मच हम रेड कैप्सिकम लेंगे, एक चम्मच हम येलो कैप्सिकम लेंगे और ग्रीन कैप्सिकम लेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे हम कुछ ऑलिव्स, सम सॉल्ट, सम पिज़्ज़ा सीजनिंग या मिक्स्ड हर्ब्स आपके पास जो भी हो। और मैं यहाँ यूज कर रही हूँ अमूल का डाइज मोज़रेला चीज, इसको हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। ये हम 3 स्पून डाल रहे हैं। इस टाइप से हम एक मिक्सचर बना लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी मिक्सचर बनाएंगे जिसमें हम कॉर्न और हैलपिनोज डालेंगे। हम यहाँ यूज कर रहे हैं कॉर्न, एंड सम हैलपिनोस। इसको हैलपिनोस को हम चॉप कर सकते हैं, अगर बड़े हैं तो स्लाइसेस विल चॉप इट।
अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप हैलपिनोज यूज कर सकते हैं। इसको डालेंगे इसमें, और इसमें भी हम डालेंगे मोज़रेला चीज। तो ये हमारे टू टाइप्स के मिक्सचर रेडी हो गए, तो हम टू टाइप्स का फिलिंग बना सकते हैं। इसमें भी हम डालेंगे सम पिज्जा सीजनिंग, सम चिली फ्लेक्स। अगर आपको स्पाइसी पसंद है, इट्स टोटली ऑप्शनल, अगर आपको डालना है तो आप डालिए, वरना नहीं डालिए। और सॉल्ट टू टेस्ट। इज इट बॉइल कैप्सिकम? नो नो बॉइल, नॉट बॉइल, इट्स फाइनली चॉप्ड। कॉर्न्स आर बॉइल्ड, कॉर्न्स यू हैव टू बॉइल इट बिफोर। अब हमारा ये दो टाइप की फिलिंग रेडी हो गई। यस, अब हम क्या करेंगे, जो हमने बेस रेडी करा है, यू कैन सी, अब हम रोलिंग पिन की हेल्प से इसको एक बार थोड़ा सा और प्रेस करेंगे। हमने इसको गीला कर दिया था ना, बहुत गर्मी है, ये जल्दी से ड्राई हो जा रहा है। सो अगर आपको कहीं से भी लगे कि ये खुल रहा है, तो आप ग्लू की हेल्प से उसको ब्रेड को डाल के ओवरलैप कर दें। अब आप इसको फिर से हल्का सा प्रेस करेंगे। अब आपने प्रेस कर लिया, इसमें आप हम इसमें लगा रहे हैं अमूल चीज स्प्रेड, ये इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो हम इसमें अमूल चीज स्प्रेड लगाएंगे, एक जैसे चीज बस्ट वाली फीलिंग फीलिंग देगा। वाओ गाइस, वी आर मेकिंग पिज्जा बॉम्ब विद अमूल ब्रेड, सो मेक श्योर यू वॉच टिल एंड। अब चीज स्प्रेड लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे पिज्जा पास्ता सॉस। पिज्जा पास्ता सॉस, पिज्जा सॉस से इसमें वो टेस्ट आ जाएगा जो पिज्जा में, हम पिज्जा में टेस्ट आता है ना, तो ये ब्रेड के वो थोड़ा सा मसाला मेरे उसमें चला गया थ्रोट में। ओके, अब हम इसको, हमने इसको स्प्रेड कर दिया, इसमें हम डालेंगे फिलिंग। ये मैं कॉर्न और हैलबिनोस की फिलिंग डाल रही हूँ। कैन वी यूज पनीर? या यू कैन यूज पनीर आल्सो, यस। ग्रेट, आई हैव केप्ट हियर, आई फॉरगॉट टू चॉप दिस। We'll chop some pieces of paneer and we'll add it. Okay. अब हम कॉर्नर्स में भी इसके ये स्लरी लगाएंगे। और ये फॉइल की हेल्प से हम इसको बाइंड करेंगे टू गिव इट अ शेप लाइक अ बॉम्ब। अगर आप एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन लेंगे, उससे भी ये बहुत अच्छा शेप लेगा। कैन गिव इट अ वेरी, व्हाट एवर शेप यू वांट टू गिव, यू कैन गिव इट। और इसको हम ब्रश करेंगे बटर से। ये इसको हम टाई करके फ्रिज में भी थोड़ी देर रख सकते हैं, जैसे ये अच्छे से टाई हो जाए। तो हम बटर लगा देंगे।
और थोड़ा सा स्लरी लगा के यहाँ पे सेंटर में हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मोजरेला चीज डालेंगे। वाओ, तो जब ये बेक करेंगे ना हम, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? यू कैन सी, ये देखो हमने कैसे शेप दिया इसको। अमेजिंग। यू कैन प्रिपेयर दिस एंड कीप इट इन द फ्रिज। यू कैन प्रिपेयर दिस बिफोर एंड कीप इट इन द फ्रिज। आप क्लिंग रैप में पोटलीज बना के रख सकते हैं इसकी, अगर आपके घर में कोई गैदरिंग है या आपके घर में कोई आपने इस टाइप का अपना मेन्यू में ऐड करना है डिश, तो आप इसको पहले से ही बना के फ्रिज में क्लिंग रैप में पोटलीज बना के रख सकते हैं। तो आपको बहुत ईजी होगा, बस बेकिंग की डिश में डाला, बेकिंग ट्रे में डाला और आपने उसी टाइम गरम गरम सर्व किया। तो एनी मोर क्वेश्चंस? रिंकू जी सिंह, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। हाय रिंकू, हाय वंदना, विल सी सम क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। पायल, हाय पायल। या यू कैन यूज मोजरेला चीज इंस्टेड, यू कैन यूज पनीर ऑल्सो इंस्टेड ऑफ मोजरेला चीज, लेकिन ऑब्वियसली जब पिज्जा बना रहे हैं तो चीज तो चाहिए, लेकिन अगर आपको चीज ओमिट करना है यू कैन ऑलवेज ऐड अ पनीर। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? अब हम अपना अवन को प्रीहीट करेंगे 180 डिग्री पे फॉर 10 मिनट्स। ओ, प्रीहीटेड है मेरा ओवन, 5 मिनट्स के लिए आप प्रीहीट करेंगे उसको और स्टार्ट कर देंगे। बाय द टाइम मैंने आपके लिए ये पहले ही बेक करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे एयर फ्रायर यूज कर रही हूँ, आप अवन भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज मेरा एयर फ्रायर अवन की तरह काम करता है, तो मैं यहाँ पे एयर फ्रायर यूज कर रही हूँ। आप 180 डिग्री पे इसको 10 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। There are some questions. बेल पेपर्स मैंने पिज्जा की जो फिलिंग, ये जो ब्रेड के अंदर फिलिंग करा ना, उसके लिए मैंने यूज करा है। इट्स टोटली ऑप्शनल, अगर आपको कोई भी आपके घर में कोई भी वेजिटेबल्स पड़ी है, आपको जो भी यूज करना है अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग, आप वो फिलिंग बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने तो यहाँ पे कैप्सिकम्स और ऑलिव डाले हैं और कॉर्न और हैलोपिनो की फिलिंग बनाई है, कॉर्न हैलोपिनो एंड पनीर। टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी बेक करके आपके लिए रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा। Wow. 5 more minutes, मैंने हाफ डन करके रखा था बिकॉज टाइम नहीं होता हमारे पास लाइव में इतना कि आप अवन प्रीहीट करें एंड उसके बाद फिर कुकिंग करें, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो आप एक बार और खोल के बीच में एक बार बटर से ब्रश करेंगे एंड देन अगेन कीप इट फॉर 5 मोर मिनट्स। तो दिस इज हाउ दे आर रेडी। कैन यू जस्ट गिव अ क्विक रीकैप? ओके, वी आर मेकिंग पिज्जा बॉम्ब्स एंड फॉर पिज्जा बॉम्ब्स आई हैव मेड टू टाइप ऑफ फिलिंग। एक तो हमने 3 कलर्स के बेल पेपर्स यूज करे हैं एंड ऑलिव्स, और दूसरी फिलिंग में हम यूज कर रहे हैं कॉर्न, हैलपिनोज एंड पनीर विद मोजरेला चीज। ओके, व्हाट आर वी मेकिंग नाउ? नाउ वी विल मेक अमूल प्रो चॉकलेट शेक। अमेजिंग। ओके, आई ब्रिंग द आइसक्रीम इन नाउ। श्योर श्योर। ओके,
फॉर दिस वी आर यूजिंग अमूल वेनिला आइसक्रीम, अमूल प्रो चॉकलेट ड्रिंक एंड अमूल मिल्क. तो आप फ्रिज में पहले चॉकलेट सॉस लगा के ऐसे ग्लास को प्रिपेयर कर लेंगे. मैंने यहाँ पे कोई भी, आपके पास कोई भी चॉकलेट सॉस हो, आप घर में भी चॉकलेट सॉस बना सकते हैं. आप एक ग्लास लीजिए और इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं. लाइक आप ग्लास लीजिए और उसको ऐसे टर्न करिए. प्रिपेयर लाइक दिस. और आप उसको फ्रिज में रख के ठंडा भी कर सकते हैं. अब मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में शेक बनाने के लिए, ये बहुत ही हेल्दी बनेगा. हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 1 कप ऑफ मिल्क. शुगर इज ऑप्शनल, अगर आपको डालना है तो आप डालिए, वरना आप नहीं डालिए. मैं यहाँ पे 1/2 स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ. और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 स्पून ऑफ अमूल प्रो. और इसमें हम डालेंगे आइसक्रीम. आप चिल्ड मिल्क को यूज करिए तो आपको इसमें आइस नहीं डालना पड़ेगा. हम इसमें 2 चम्मच आइसक्रीम डालेंगे. एंड नाउ व्हाट, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड. नाउ वी ब्लेंड दिस. अब हम इसको पोर करेंगे ग्लास में. टॉप करेंगे थोड़ी आइसक्रीम से. टॉप करेंगे थोड़ी सी आइसक्रीम से. और थोड़ा सा चॉकलेट ग्रेट करेंगे. यहाँ मैं अमूल चॉकलेट यूज कर रही हूँ. थोड़ी सी आप चॉकलेट शेविंग्स डाल देंगे. और ये बहुत ही टेस्टी ड्रिंक आपके लिए रेडी है. एंड दिस पिज्जा बॉन्स आर रेडी. बहुत ही गर्म है. यू कैन सी दिस इज वेरी नाइस एंड क्रिस्प. इसी तरीके से हम इसको उठा के मैं दूसरा भी रख देती हूँ. विल जस्ट हम इसको हाथों की हेल्प से हम इसको उठाएंगे और इसमें डाल देंगे. और फिर बीच में एक बार खोल के हम इसको बटर से ग्रीस करेंगे.
hear this? Subhra ji, the oven is set at 180 degrees. Any questions? We are ready with this. अभी मैं आपको उसको कट करके दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसा लगता है. With the help of knife, मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ ये पिज़्ज़ा का अंदर से कैसा लुक आएगा. इसीलिए मैंने पहले ऑलरेडी ये करके रखा था. The cheese. Can you see the cheese? Wow. Any questions? Yes. For how much time do we have to bake it? For 10 minutes. Okay. And at what degree? 180 degrees. Celsius. Yeah. The oven should be preheated. उसके बाद आप 10 minutes तक इसको bake करें. Preheated for how long? For 5-10 minutes आपका oven जैसा react करे, जितना time लेता हो, that depends upon the oven to oven. What did you use to bind the bread? Okay. Stick the bread? मैंने मैदा लिया and पानी लिया. उसका मैंने एक slurry बनाया thick और मैंने 5 slices of bread लिए. उसको मैंने arrange किया. वो आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा उसको मैंने कैसे bind किया. मैंने 4 slices को इकट्ठे रख के edges को overlap करके और फिर center में एक और slice रखा bread का कि जैसे वो नीचे से टूटे नहीं, जैसे भी आप उसको हैंडल करें वो प्रॉपरली हैंडल हो सके. और उसको आप एक राउंड शेप दे देंगे लाइक अ बॉम्ब एंड इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर किड्स टू हैव दिस. इन माइक्रोवेव आल्सो वी हैव टू हीट इट एट 180 डिग्री. अगर आपका कन्वेक्शन ओवन कन्वेक्शन माइक्रोवेव वाला है देन यू हैव टू डू इट ऑन 180 डिग्री. बाकी ऑन खाली माइक्रोवेव में तो नहीं होगा. ऑब्वियसली यू हैव टू बेक इट, यू हैव टू रोस्ट इट इन समथिंग. और अगर आप उसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं गैस पे. आप एक रैक रखिए, उसके ऊपर आप प्लेट रखिए एंड उसके बाद उसको बटर वाली प्लेट में रख के और ऊपर से बटर ग्रीस करेंगे और उसको रख दो कढ़ाई में, खाली कढ़ाई में, देन उसमें भी बन जाएगा ये. यू कैन ट्राई दैट. Any questions? रेसिपी बनाने के लिए आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स घर में हो, लाइक आप मशरूम यूज कर सकते हैं, आप बेबी कॉर्न यूज कर सकते हैं या पनीर, सोयाबीन, एनीथिंग जो भी आपके पास हो आप वो यूज करो. इट्स नॉट नेसेसरी जो मैं यूज कर रही हूँ आपको वही यूज करना है. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. नो, दिस इज फॉर वन पर्सन कैन इजिली हैव दिस. आई थिंक इफ इट्स अ मील फॉर वन देन यू कैन हैव दिस. समवन इज आस्किंग वन पर्सन और टू पर्सन. Maria. Hi Maria. Okay, that depends how much you have to have. Like अगर हमने इसके corners trim कर दिए तो उसका portion थोड़ा कम हो गया. Like एक जना आराम से खा सकते हैं. हाँ.
आपको उसका क्वांटिटी आप 2 स्पून नहीं डालेंगे, आप ऑब्वियसली जितना बिटर आपको चाहिए आप उतना ही डालेंगे, जैसा आपका टेस्ट है, जैसे आपकी पैलेट है चॉकलेट के लिए आप वैसा यूज करेंगे। अब ये मैं ऑलरेडी बना रही हूँ, आप देखिए। हम इसको बीच में एक बार खोल के इसको ब्रश कर देंगे सब साइड से, तो दिस विल हेल्प इन गेटिंग द ब्रेड द नाइस कलर। यस, मैं इसमें पिज्जा सॉस लगाई है। आप प्लेन टमेटो केचप भी लगा सकते हैं, आप होममेड सॉस भी लगा सकते हैं, आप कोई भी सॉस इसमें लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अमूल चीज स्प्रेड भी यूज करा है कि टू गिव अ चीज बर्स्ट काइंड ऑफ टेस्ट, की थोड़ा लिक्विडी चीज, थोड़ा स्ट्रैंड वाला चीज, उसके लिए मैंने मोजरेला यूज करा है। तो जब आप खाएंगे तो एक बहुत अच्छे फ्लेवर्स बर्स्ट ऑफ चीज आपके माउथ में मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट होगा। So you can always try and you can let me know how आपकी डिश कैसी आई निकल के, आप ट्राई करेंगे तो। You can follow me on Instagram, my Instagram is Hina Valecha, I have my YouTube channel also by the name of Hina Valecha. Any more questions? Okay, I have used flour and water for making the slurry to stick the bread. आप एक चम्मच मैदा लीजिए, उसके अंदर एक चम्मच पानी डालिए, 2 चम्मच मैदा लीजिए और एक थिक स्लरी बनाइए लाइक पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी की, तो वो आपका स्टिकिंग का वो स्लरी बन जाएगी स्टिक करने के लिए ब्रेड्स को। और जब हम ये बनाते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप फ्रेश ब्रेड यूज़ करें। अगर आप एक दिन भी पुरानी ब्रेड यूज़ करेंगे, एक दिन पहले वाली, तो वो थोड़ा क्रम्बल करेगा। जितनी ब्रेड फ्रेश होगी वो बाइंड करने में आपको उतना ही इजी होगा। Name of your YouTube channel again? Okay, my YouTube channel is Hina Valecha. I've just started. हाँ, आप इसमें आप चटनी की जगह हाँ आप चटनी भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई टमेटो बेस्ड चटनी है तो आप यूज कर सकते हैं इसमें, पेस्टो, अगर आपके पास पेस्टो सॉस है आप पेस्टो पिज्जा भी बना सकते हैं। दैट डिपेंड्स, इट्स टोटली ऑप्शनल, आपको जो भी टेस्ट का चाहिए आप वो फिलिंग बनाइए, वो स्प्रेड लगाइए, इट्स टोटली ऑप्शनल। थैंक यू वंस अगेन, आई होप यू लाइक द रेसिपी, बाय बाय।